नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको हर मिस्त्री को जरूरत होता है। ये मशीन है रोटर चेक करने वाली मशीन, क्योंकि जब भी आप कभी मोटर बाइंडिंग करते हो, बाइंडिंग करने के बाद वो मोटर हीट करती है, हीट करने पे हमें पता नहीं चलता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हमें रोटर चेक करने के लिए मशीन की जरूरत होती है जो कि जगह मिलती नहीं है। इसलिए हम आज उसे बनाकर आपको बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल कम खर्चे में कैसे ये मशीन आप बना सकते हैं और अपने ही दुकान में चाहे वर्कशॉप में उसको रखकर किस तरीके से आप चेक कीजिएगा। ये हमने जो मशीन बनाई है वो बिल्कुल कम खर्चे में बनाई हुई है, इसका लागत मात्र आपको 500 रुपये पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये बनाया गया हुआ है। यहाँ पर हमने एक 4 नंबर कोर का ट्रांसफार्मर लिया है जो कि आसानी से कबाड़ी की दुकान में मिल जाएगा। इसका साइज हमने 2 इंची है। अब हम इसे खोलकर बाहर निकाल लेंगे। ये हमने सभी कोर को खोल लिया है। अब हम इसके बीच वाले हिस्से को कटिंग कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसको कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसके बीच वाले हिस्से को बिल्कुल आराम से काट देंगे। देखिए इस तरीके से काट के इसको निकाल देना है, बिल्कुल इस तरीके से बना लेना है सभी को। उसके बाद हम आई वाला पत्ती को ऊपर रख के इसको नट बोल्ट से कस देंगे। इसमें हम 4 टांग भी लगा देंगे ताकि जब भी इसका बॉडी कसे तो बिल्कुल आराम से बॉडी में फिट हो जाए। देखिए इस तरह के से हमने 4 नंबर कोर का आई जो होता है उसी से हमने इसका टांग बनाया है और उसी को इसके बॉडी में टाइट कर देंगे बिल्कुल इसके तरह से। इसके बाद हम क्वाइल लपेटने से पहले उसके ऊपर वाइट पेपर डालेंगे। वाइट पेपर अच्छी तरह से लपेटेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से वाइट पेपर लपेट के उसके ऊपर टेप मार देंगे। उसके बाद जो भी अगल बगल का खाली स्थान है उसमें भी टेप मार देंगे ताकि वाइंडिंग करते समय उसमें तार लग के कट ना हो जाए। देखिए इस तरीके से सभी में टेप मार देंगे क्योंकि वाइंडिंग करते समय इसमें तार लगेगा। बिल्कुल अच्छी तरह से टेप मार देंगे सभी जगह। अगर इस पर टेप नहीं लगेगा तो शॉर्ट होने का डर है, आपको बहुत तगड़ा झटका भी लगेगा। अब हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। इसके लिए हम 20 नंबर तार लेंगे और कम से कम 900 टर्न मारेंगे। हमने यहाँ पर एल्युमिनियम तार लिया है जो कि लगभग में 0.5 किलो तार है। अगर हमें 5 एम्पियर में इसको चेक करना है तो कम से कम 850 टर्न मारना होगा। अगर हम लोग 1200 टर्न मारते हैं तो इसका एम्पियर जो हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। 1200 टन मारने के बाद ये 3 एम्पियर में आएगा। हमने यहाँ पर 850 टन ही मारे हैं जो कि 5 से 6 एम्पियर के बीच में आपको दिखाएगा।
ये हमारी क्वाल तैयार हो गई है। हमने इसको एल्युमिनियम से बनाया है, जो कि आधा किलो एल्युमिनियम लगा है इसमें, जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से 200 से 300 रुपये में मिल जाएगा। इसके ऊपर से हम बिल्कुल टेप मार देंगे, अच्छी तरह से टेप मार देंगे कि इसमें वाइब्रेशन ना हो। अब हम इसके ऊपर का प्लेट बनाएंगे, जिसके ऊपर हम आर्नेचर को रखकर चेक करेंगे। यह हमने 5 इंची का प्लेट लिया है और 3 इंची चौड़ाई पे हम काटेंगे इसको। दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चल पाया कि कैसे बना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से आप इसको आराम से बना लीजिएगा। देखिए हमने प्लेट बना लिया है और यहाँ पर दोनों तरफ देखिए रख के देखते हैं प्लेट सही कि नहीं है। इसके बाद हम प्लेट को बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर देंगे ताकि कहीं पर भी रूखापन नहीं हो और बिल्कुल चिकना हो, नहीं तो हमें आर्नेचर चेक करते समय हमें कट भी लग सकती है। इसमें बिल्कुल इसको घिस के अच्छी तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम बिल्डर से बिल्डिंग करा लेंगे उसको। देखिए हम किस तरीके से बिल्डिंग करा रहे हैं, बिल्कुल जितना कोर है बिल्कुल इसको बिल्डिंग कर देना है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मैग्नेट सही नहीं बन पाएगी। बिल्कुल बिल्डिंग सही तरीके से करना है इसमें और बिल्कुल सीधा रखकर। देखिए हमारे बिल्डर भाई साहब कैसे बिल्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल फुल्ली बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी छोड़ नहीं रहे हैं और छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो हमारा मैग्नेट सही से काम नहीं करेगा। अब ये हमारा तैयार हो गया है और हम इस पर आर्मेचर चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। इसके लिए हम एक वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों लगा लेंगे। इसमें वोल्टेज और एम्पियर मीटर दोनों है। एम्पियर मीटर इसलिए लगाया जाता है कि हमें एम्पियर से ही मालूम चलता है कि कोई रोटर ख़राब है या नहीं है, और उसके बाद रोटर के ऊपर 100 ब्लेड रखकर भी मालूम चल जाता है कि रोटर ख़राब है कि सही है। इसके लिए हम पहले एक सही रोटर को रखेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए हमने चालू कर दिया है, ये देखिए ये रोटर चपक रही है, यहाँ पर भी चपक रहा है, ये बिल्कुल चपक रहा है, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही चपक रहा है, ये रोटर सही है बिल्कुल। और अब हम एक ख़राब रोटर रख के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम नहीं करता है। देखिए ये एक ख़राब रोटर है, इसको हम बताते हैं कि कैसे काम नहीं करता है ये। यहाँ पर देखिए ये हमारा चपक रहा है, यहाँ के स्लॉट सही है। इसके बाद हम आगे करते हैं,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेट नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये रोटर खराब है। इसके बाद आगे भी चेक करते हैं, यहाँ पर चपक रही है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं चपक रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।